नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं ई श्रम कार्ड का रजिस्ट्रेशन किस तरह करना है और आप घर बैठे फ्री में बनवा सकते हैं अपना ई श्रम कार्ड। बाहर 50 से 100 रुपये लिए जाते हैं और इसमें आपका उम्र 16 साल से लेके 59 साल के अंदर होना चाहिए और आप टैक्स पेयर नहीं होने चाहिए। अगर आप किसी अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं तो आप ई श्रम कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इससे यह होगा, आपको भारत सरकार की जितनी भी महत्वपूर्ण कल्याणकारी योजनाएं हैं उनका आपको सीधे लाभ मिलेगा। जिस तरह आधार कार्ड होता है उसी तरह आपको ई श्रम कार्ड बनकर मिलेगा और यह कार्ड है जो आपके बैंक खाते से लिंक रहेगा ताकि जो भी सरकारी सुविधा आपको मिलेगी वो सीधा आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगी। तो चलिए आगे हम जानते हैं किस तरह इस फॉर्म का रजिस्ट्रेशन करना है और आप घर बैठे अपना ई श्रम कार्ड बनवा सकते हैं। वेबसाइट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ हूं, तो आपको इस रजिस्टर के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद यहां पर आपको सेल्फ रजिस्ट्रेशन करना है, यानी कि जो आपका आधार कार्ड है वह मोबाइल नंबर से लिंक होना चाहिए। तो आपको लिंक मोबाइल नंबर इसके अंदर डाल देना है जो आधार कार्ड से लिंक है। इसके बाद आपको एंटर कैप्चर पर लिख देना है, तो कैप्चर कोड जो दिया गया है आपको वो एंटर कर देना है। अगर आप पीएफ या ईएसआई कटता है तो आप यहाँ पर यस कर सकते हैं, अदरवाइज आप नो पर रहने दीजिए। तब मैं स्क्रॉल डाउन करके नीचे चले जाता हूँ। यहाँ पर आपको सेंड ओटीपी पर का ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, तब मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। अब मेरे मोबाइल पर एक ओटीपी आ जाएगा, तो मैं ओटीपी का कुछ सेकंड वेट कर लेता हूँ। तब मैंने इसके अंदर ओटीपी डाल दिया है, अब मुझे सबमिट पर क्लिक कर देना है। तो अब यहाँ पर आपको क्या करना है, अपना आधार कार्ड नंबर डाल देना है। देख सकते हैं यहाँ पर आपको अपना आधार कार्ड नंबर एंटर कर देना है अच्छी तरीके से, कोई वर्ड मिस्टेक ना हो। तो मैं इसके अंदर अपना आधार कार्ड नंबर डाल दे रहा हूँ जल्द से जल्द। इसके बाद आपको क्या करना है, एंटर कैप्चर बोला गया है तो आपको एंटर कैप्चर पर डाल देना है इसके अंदर। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर सबमिट पर क्लिक कर देना है। तो इससे क्या होगा, वापस से आपके मोबाइल पर एक ओटीपी आ जाएगा, तब मैं ओटीपी इसके अंदर डाल देता हूँ और वैलिडेट पर क्लिक कर देता हूँ। इसके बाद यह एक्सेप्ट कर लेगा। अब देखता हूँ, मैं कुछ सेकंड वेट करता हूँ, पेज लोड होगा। अब देख सकते हैं यहाँ पर यह मेरा जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है आ चुका है, जो मेरे डिटेल है, जो मेरा आधार कार्ड से जो लिंक था, देख सकते हैं मेरा सारा डिटेल आ चुका है, जैसे मेरा नाम और डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, एड्रेस, लोकेलिटी। आप देख सकते हैं यहाँ पर सारा का सारा आपका जो डिटेल है वो इसके अंदर दिखाई देगा। अगर सब कुछ ठीक है तो आपको आई एग्री पर क्लिक रहेगा, आपको कंफर्म एंड इन एंटर करके क्लिक कर देना है। तो अब यहाँ पर आपको इस तरह का पेज ओपन होगा पर्सनल इन्फॉर्मेशन का। तब इसके अंदर आपको अपना मोबाइल नंबर जो आपका रजिस्टर है वो तो रहेगा ही रहेगा। अगर साथ में आप इमरजेंसी के लिए कोई मोबाइल नंबर डालना चाहते तो है, तो आप अपने घर का कोई भी मोबाइल नंबर डाल सकते हैं इसके अंदर। तो मैं मोबाइल नंबर डाल देता हूँ दूसरा। इसके बाद क्या करना है, मुझे अपना ईमेल आईडी डाल देना है, तो मैं ईमेल आईडी डाल देता हूँ इसके अंदर। और इसके बाद मैरिड स्टेटस डालना है, तो मैं अगर आप मैरिड है तो आप मैरिड डाल दीजिएगा, अगर नेवर मैरिड है तो नेवर मैरिड पर क्लिक कर सकते हैं, तो मैं नेवर मैरिड पर क्लिक कर देता हूँ। इसके बाद आपको फादर नेम डाल देना है, तो अब फादर ने आपको एंटर कर देना है इसके अंदर। इसके बाद आपको क्या करना है, सोशल कैटेगरी आपको इस पर क्लिक करना है। अपना कास्ट अगर आप एससी है, ओबीसी है या जनरल है तो आप इस पर क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो आप अपलोड कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है, वैसे ही ऑप्शन है। इसके बाद आपको अगर आपका ब्लड ग्रुप पता है तो आप ब्लड ग्रुप डाल सकते हैं, अदरवाइज अगर नहीं पता तो आप डैश पर क्लिक कर सकते हैं। और डिफरेंटली एबल मतलब क्या, अगर आप हैंडीकैप है तो यस करेंगे, अदरवाइज़ नो करेंगे। तो जैसे मैं यस करके दिखा देता हूँ, जैसे कोई हैंडीकैप रहेगा तो उसको यस पर क्लिक करना है। इसके बाद टाइप डिफरेंट एबल पर क्लिक कर देना है, जैसे लेग में या ऐसे अटैक या ऐसे कोई भी चीज़ रहेगा तो आप इस पर सिलेक्ट कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं अभी इसको नो कर दे रहा हूँ। इसके बाद आपको क्या करना है, नॉमिनी का डिटेल डाल देना है, जैसे आप जिसको नॉमिनी रखना चाहते हैं, जैसे अपनी वाइफ को रखना चाहते हैं या अपने मम्मी पापा को रखना चाहते हैं तो आप इसमें रख सकते हैं। तो आपको नॉमिनी का नेम डाल देना है, तभी मैं इसके अंदर नाम डाल दे रहा हूँ।
इसके बाद आपको नॉमिनी का डेट ऑफ बर्थ डाल देना है, तो डेट ऑफ बर्थ मैं एंटर कर दे रहा हूँ इसके अंदर। तो यह डेट ऑफ बर्थ गलत हो चुका है, मेरे को यहाँ से कैलेंडर वाइज सिलेक्ट करना होगा, तो अब मैं इसके अंदर यह सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो मैंने यह डेट ऑफ बर्थ डाल दिया है। इसके बाद क्या करना है, जेंडर पर क्लिक कर देना है आपको, फीमेल मैंने सिलेक्ट कर लिया है। इसके बाद आपको रिलेशनशिप क्या है आपका, जैसे डाल सकते हैं यहाँ पर, तो मैं मदर डाल दे रहा हूँ। इसके बाद आपको क्या करना है, सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। इसके बाद अब आपका एक और फॉर्म ओपन हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन फॉर्म। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आपका जो स्टेट है आपको स्टेट डाल देना है। इसके बाद आपका डिस्ट्रिक्ट डालना है, आपको डिस्ट्रिक्ट डाल दीजिए। इसके बाद आपको स्पेसिफिक आईडी मतलब डालना है स्टेट का, अपना एरिया का पिन कोड डाल देना है, तो पिन कोड डाल देते हैं। आपका जो एरिया है रूरल एरिया में आता है या अर्बन में आता है, आप उस पर क्लिक कर सकते हैं। जैसे गांव एरिया मतलब रूरल हुआ, अर्बन मतलब सिटी टाइप हुआ। आपको अपना हाउस नंबर डाल देना है, लोकेलिटी डाल देना है यानी कि जैसे रोड का नाम डाल देना, लैंडमार्क। इसके बाद आपको अपना स्टेट सिलेक्ट कर लेना है, तो स्टेट में सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लेना है, डिस्ट्रिक्ट में सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद आपको जो है अपना तहसील सिलेक्ट करना है, तो तहसील पर मैं क्लिक कर देता हूँ। और अपना फिर से पिन कोड डाल देना है आपको। पिन कोड डालने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर स्टेइंग करंट लोकेशन, आप जिस इस एरिया इस एड्रेस पर आप कितने साल से रह रहे हैं आपको वो डाल देना है। जैसे 20 से 25 साल, तो मैं 20 से 25 साल डाल दे रहा हूँ इसके अंदर। तो अभी मैं इससे डाल दिया। इसके बाद आपको क्या करना है, सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन होगा, यहाँ पर क्वालिफिकेशन पूछा जाएगा, एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप डाल सकते हैं, अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आप ग्रेजुएट डाल सकते हैं। इसके बाद आपसे सर्टिफिकेट मांगेगा, तो आप नहीं भरेंगे तो ये ऑप्शनल है, आप इसको छोड़ सकते हैं। इसके बाद आपसे क्या मंथली इनकम पूछा जाता है, अगर आप 10,000 या उससे कम कमाते तो आप वो भी क्लिक कर सकते हैं, अगर आप कुछ नहीं कमाते तो आप डैश पर ही रहने दे सकते हैं। तभी मैं इस पर इनकम क्लिक कर देता हूँ। इसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपका एक और फॉर्म ओपन हो जाएगा। इसके बाद आपका क्या करना है, जो भी आप ऑक्यूपेशन करते हैं मतलब जो भी आप काम करते हैं आपको वो डालना है इसके अंदर। यहाँ पर देख सकते हैं रेड लाइन में दिया गया है क्लिक हियर। यहाँ पर बहुत सारे पीडीएफ है, जैसे कि आप जितने काम आते हैं ई श्रम कार्ड के अंदर, जैसे एग्रीकल्चर, अगर आप किसान हैं तो एग्रीकल्चर का आप डाल सकते हैं, या फिर अगर आप ड्राइवर हैं या टेलर हैं या सुतार हैं या वुड कटर हैं, ऐसे मतलब बहुत सारे जॉब दिए गए हैं इसके अंदर, आप यहां पर देख सकते हैं। तो इसमें से जो भी आपका कैटेगरी आता होगा आप उसमें वो डाल सकते हैं इसके अंदर। तो अभी मैं इसको क्लोज़ कर दे रहा हूँ, वापस से फॉर्म पर आ जाता हूँ। तो अब यहाँ पर जैसे आप एग्जांपल के तौर पर देख सकते हैं, यहाँ पर सर्च है एग्जांपल कारपेंटर लिखा है, तो आप इस पर कारपेंटर लिखेंगे तो कारपेंटर आ जाएगा। तभी मैं जैसे यहाँ पर वुड कटर लिख देता हूँ, इसको सर्च कर लेता हूँ और वुड कटर पर मैं क्लिक करता हूँ। जैसे वुड कटर मैं लिख देता हूँ इसके अंदर टाइप करके, तो WOOD। तो अब यहाँ पर देख सकते हैं वुड कटर आ गया ऑप्शन, जैसे ये वुड कटर मैंने डाल दिया। इसके नीचे आपको ऑप्शन मिल जाता है वर्किंग एक्सपीरियंस, आपको कितने साल से एक्सपीरियंस है, तो कितने साल से आप काम कर रहे हैं, तो 2 साल में लिख दे रहा हूँ इसके अंदर। इसके बाद जो है नीचे स्क्रॉल डाउन करके आना है आपको, यहाँ पर पूछा जाएगा हाउ डिड यू एक्वायर स्किल, मतलब आपको यह स्किल कैसे मिला। अब इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो है जैसे रिसीव फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग से मिला है, डिड नॉट रिसीव मतलब मुझे कोई ट्रेनिंग नहीं मिला, ऐसे ही मैं सीख गया। इसके बाद आप क्या सब स्किल पर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर सेल्फ लर्निंग पर आप क्लिक कर सकते हैं, मैंने खुद ने सीखा है, अगर किसी ने ट्रेन किया तो आप वो भी लिख सकते हैं। और स्किल टू अपग्रेड मतलब ये भी लिख सकते हैं, टू रिसीव फॉर्मल टेक्निकल लर्निंग या वोकेशनल ट्रेनिंग कुछ भी लिख सकते हैं आप। मैं वोकेशनल पर क्लिक कर देता हूँ। इसके बाद आपको क्या करना है, सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। अब इसके बाद आपसे लास्ट पड़ाव पूछा जाता है, इसमें आपका बैंक अकाउंट डिटेल जानकारी मांगेगा। तो आपका जो बैंक का पासबुक है आपको उसको ओपन कर लेना है। उसके बाद आपको अपना अकाउंट नंबर अच्छे तरीके से डाल देना है, एक भी वर्ड मिस्टेक नहीं होना चाहिए। तभी मैं इसके अंदर बैंक अकाउंट डिटेल नंबर डाल देता हूँ और कंफर्म बैंक अकाउंट नंबर पर डाल देता हूँ। इसके बाद क्या करना है, अकाउंट होल्डर का नाम डाल देना है आपको, तब आपका अपना नाम डाल देना है इसके अंदर। इसके बाद आपको क्या करना है, अपना IFSC कोड डाल देना है, आपके पासबुक पर IFSC कोड लिखा रहेगा, आपको वो डाल देना है अच्छे तरीके से। इसके बाद आपको क्या करना है, सर्च पर क्लिक कर देना है, दूरबीन का निशान देगा आपको सर्च पर क्लिक कर देना है। ये ऑटोमेटिक
ब्रांच का नाम और जो है बैंक का नाम दिखाई देगा इस पेज के। आपको क्या करना है, सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। आपको यहाँ पर यूज़र नेम और पासवर्ड दिखाई देगा, तो आप इसको सेव पर क्लिक कर सकते हैं। अदरवाइज आप ये आई के ऑप्शन पर क्लिक करके इसका जो यूज़र नेम है और पासवर्ड है आप इसको शो कर सकते हैं। इसके बाद आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट मार सकते हैं या मोबाइल में फ़ोटो खींच सकते हैं, ताकि आपको आपका यूज़र नेम और पासवर्ड याद रहे। उसके बाद आप सेव कर लीजिए। इसके बाद आपको इस नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। ये जो आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म है इसके सारे इन्फॉर्मेशन एक बार आपको चेक कर लेने हैं, जो आपने डाले हैं सब बराबर है कि नहीं है, या कहीं पर कोई स्पेलिंग मिस्टेक हुआ होगा तो आप उसको अभी भी एडिट कर सकते हैं। आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे चले आना है, तो आपको एकदम लास्ट ऑप्शन पर चले जाना है। अगर आपका सब कुछ ओके है तो आपको क्या करना है, आई अंडरटेक पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और कुछ ही सेकंड में आपका ई श्रम कार्ड रेडी हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका जो ई श्रम कार्ड है वह इस तरह आपको दिखाई दे रहा है। तो ये आप इसको डाउनलोड UN कार्ड पर क्लिक करके इसको डाउनलोड कर सकते हैं, और आप चाहे तो इसको कलर प्रिंटआउट मारकर लेमिनेशन करके अपने पास भी रख सकते हैं। तो इस तरह अपना ई श्रम कार्ड बनवा सकते हैं। सो गाइस, वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगता है, देख सकते हैं मैंने 10 से 15 मिनट का ये वीडियो बन चुका है। तो गाइस, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा दोस्तों, और कमेंट करके बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा, आपके लिए यूज़फुल था कि नहीं था। तो जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।